रणवीर सिंह ने किया दीपिका पादुकोण को नजरअंदाज, लिया दीपिका पादुकोण से बदला दीपिका के बगैर गए वेकेशंस पर। आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ ये क्या पहेलियाँ बुझा रहे हैं, किस बदले की बात कर रहे हैं, तो जनाब इतने इंपेशेंट मत होइए, पूरा का पूरा किस्सा हम आपके सामने रखने वाले हैं। दरअसल हुआ यूं कि बाजीराव मस्तानी के एक्शन पैक क्लाइमैक्स सीन को हाल ही में कंप्लीट किया है रणवीर सिंह ने। इस क्लाइमैक्स सीन की थकान को उतारने के लिए रणवीर चले गए गोवा छुट्टियां मनाने, और वो भी अकेले। जी हाँ, बगैर अपने प्यार दीपिका पादुकोण के। जूम को सोर्सेज से पता चला है कि बाजीराव मस्तानी के प्रमोशन से पहले रणवीर कुछ वक्त अकेले में स्पेंड करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दीपिका को अपने साथ इस वेकेशन पर आने की नहीं दी इजाजत। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि लास्ट मंथ जब दीपिका अपनी फैमिली के साथ स्मॉल वेकेशन पर गई थी, तो वहाँ रणवीर की नहीं थी एंट्री, और शायद इसीलिए रणवीर दीपिका को अपने साथ छुट्टियां मनाने के लिए नहीं लेकर गए हैं गोवा। खबर है कि गोवा में रणवीर जमकर कर रहे हैं पार्टी और मचा रहे हैं धमाल। इनफैक्ट सुनने में तो ये भी आया है कि जहां दीपिका को रणवीर अपने साथ नहीं लेकर गए हैं, वहीं सुजैन खान के साथ उन्हें गोवा के बीच पर पार्टी करते हुए किया गया है स्पॉट। अरे आप कुछ गलत मत सोचिए, दीपिका और रणवीर के रिश्ते में कोई दरार नहीं आई है, और ना ही सुजैन की तरफ रणवीर का कोई झुकाव है। रणवीर और सुजैन की मुलाकात तो बस बाय चांस थी। सोर्सेज के मुताबिक सुजैन गोवा के बीच पर एक फोटोशूट के लिए गई हुई थी, और वहीं रणवीर और सुजैन की हो गई मुलाकात, और काम के बाद दोनों ने की साथ में पार्टी। वेल वी होप कि दीपिका का रणवीर का यू पार्टी करना अखरे नहीं। फरूद रानी, चतुराज एंड हार्दिक दन्ना, जूम, मुंबई।